नमस्कार मित्रों, मेरे ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस मटर के छिलके के फ़ायदे बताऊंगी, क्योंकि जाड़े के दिन में हम लोगों के घरों में कि बहुत मटर आते हैं और उसके जो है कि छिलके निकलते हैं, तो छिलके हम क्या करते हैं कि इसे कूड़ा समझ करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और ये मटर का छिलका बहुत ही अच्छा है, बहुत हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और क्या करें कि जब यदि आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप इस मटर के छिलके का कई तरह से अपने गार्डन में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अभी अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं, पौधे और सब्जियां लगाना चाहते हैं ग्रो बैग पॉट में, तो क्या करें कि इस मटर के छिलके को फेंके नहीं, आप कई तरह से स्टोर कर सकते हैं अपने अपना गार्डन तैयार करने के लिए। और यदि गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसका कई तरह से अपने गार्डन में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मतलब समझिए कि ये जो छिलका है वो विटामिन्स का हब है। एक मतलब पूरे सारे एक पौधे को जितने भी न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स चाहिए सारा इस मटर के छिलके में मौजूद होता है। तो चलिए हम इतनी कीमती चीज़ को फेंकेंगे नहीं, मटर के छिलके को, इसका कई तरह से हम आज यूज करेंगे अपने गार्डन में। और हम तो कई तरह से करते हैं और आप भी करिए, फेंकिए नहीं। और चलिए देखते हैं इसका हम पहला प्रयोग देखें कैसे करते हैं मटर का छिलके का। तो देखिए पहला प्रयोग देखिए ये है, मैं मटर के छिलके को क्या करें कि देखिए इस तरह से पानी में भिगो दी हूँ, और भिगो करके ये लिक्विड एक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इसका वीडियो मैं अपलोड की हूँ अपने चैनल पर, तो आप जा करके वहाँ से अच्छी तरह से पूरी वीडियो देख करके मतलब इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनता है मटर के छिलके का, तो ये अच्छी तरह से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं सभी पौधों में। पहला प्रयोग ये हो गया लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। और दूसरा प्रयोग देखिए ये कंपोस्ट, जो कि इस मटर के छिलके का कंपोस्ट बन रहा है। तो ये कंपोस्ट मैं बना रही हूँ इस तरह से मटर के छिलके का, तो ये वीडियो भी मैं अपलोड की हूँ अपने चैनल पर, तो कि मटर के छिलके से कैसे बनाएं कंपोस्ट। तो ये वीडियो भी पूरा देख करके आप भी अपने घर में अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तब भी, और करना चाहते हैं गार्डनिंग करना चाहते हैं पौधे सब्जियां लगाना चाहते हैं अपने टेरेस पर ग्रो बैग पॉट में, तब भी आप क्या करें कि जाड़े में जितने भी मटर के छिलके निकल रहे हैं आपके घर में, तो उसका इस तरह से कंपोस्ट बना करके आप रख सकते हैं गार्डनिंग करने के लिए। और जो गार्डनिंग कर रहे हैं तो अपना कंपोस्ट बना करके जब भी उनको ज़रूरत होगी कंपोस्ट की, तो ये एक पावरफुल मटर के छिलके से जो है कि पावरफुल कंपोस्ट बनकर तैयार होगा, तो इस कंपोस्ट का वो यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में अपने पेड़ पौधों पर। तो दो प्रयोग हो गया, चलिए अब तीसरा प्रयोग क्या है देखिए। कुछ मटर के छिलके मैं इस तरह से सुखा ली हूँ, तो इस तरह से सुखा ली हूँ। सुखा करके क्या करूँगी कि स्टोर कर लूँगी। जैसे जब भी हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसमें ड्राई मटेरियल चाहिए होता है। तो मान लीजिए आप पहली बार गार्डनिंग करने जा रहे हैं और आपके पास पत्ते सूखे नहीं हैं, तो क्या करें कि इस कुछ मटर के छिलके को सुखा करके स्टोर कर लें, ताकि जब भी आप पौधा लगाएंगे सब्जियां लगाएंगे तो ग्रो बैग और पॉट भरने के लिए नीचे जो है कि इस मटर के छिलके का, सूखे हुए मटर के छिलके का प्रयोग करेंगे। चलिए अब देखिए इसका अगला चौथा प्रयोग कैसे करेंगे कि देखिए ये पौधा है मेरे पास फूल का जो है भीन का है सदाबहार, तो और ये है अपराजिता का पौधा है जो कि देखिए सूख गया था, मैं प्रूनिंग कर दी तो देखिए हरा भरा फिर से हो रहा है, ये छोटे से पार्ट में लगा है। तो ये दोनों पौधा जब हमारे छत पर रहेंगे तो छत पर क्या होता है कि खुली धूप लगती है, और सर्दी के दिनों में ठंडी भी जो शीत पड़ती है तो कोहरा पड़ता है, तो हमारे पौधों को नुकसान करता है। तो इस तरह से गर्मी में बहुत तेज़ धूप, जब मई जून की तेज़ धूप होती है तब भी हमें पॉट के पौधों की
सुरक्षा करनी पड़ती है बहुत तेज़ गर्मी से, और जब सर्दी के दिन में बहुत तेज़ सर्दियां पड़ती हैं तभी हमें अपने पौधों को बचाना पड़ता है ज़्यादा सर्दी से। तो इसके लिए क्या करें कि मटर के छिलके को सुखा सुखा करके स्टोर कर लें, और जब तेज़ धूप होने लगे अप्रैल मई जून में तो क्या करें आप कि अपने पॉट में इस तरह से इस सारे छिलकों को इस तरह से मल्चिंग कर दें। मल्चिंग के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं गर्मी के दिनों में, और ठंडी में जो है कि ठंडी ज़्यादा ठंडी से बचाने के लिए भी अपने पॉट में इस तरह से मटर के सूखे छिलकों से आप इस तरह से मल्चिंग कर दें, जिससे कि आप के पौधे गर्मी और ठंडी की मार से बच जाएंगे। और इससे क्या करेंगे, इस तरह से मल्चिंग करके छोड़ देंगे पॉट में मटर के छिलके, और पानी देंगे तो क्या होगा कि पानी आपका जल्दी सूखेगा नहीं गर्मी के दिनों में, और इसमें नमी बनी रहेगी। और जब जब भी पानी देंगे आप अपने पॉट में तो क्या होगा कि ये छिलका धीरे धीरे इसी में गलेगा, डिकम्पोज होगा, और इससे क्या होगा कि आपके पौधे को विटामिन धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो देखिए फिर अगला प्रयोग हम मटर के छिलके का क्या करेंगे कि मटर के छिलके में हम पौधा लगाएंगे। डायरेक्ट मटर सिर्फ आप मटर का छिलका ले लें, और मिट्टी कहीं से भी आप खेत से चाहे जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो जाए वहाँ से मिट्टी ले लें। उसके लिए उसमें हम मटर के छिलके और मिट्टी से एक पौधा लगाएंगे, और फिर इस तरह से पॉट में भर दें। छिलका और मिट्टी मिला मिला करके पॉट में भरते जाए। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं ठंडी के दिनों में, नहीं तो बाकी हर समय इसमें फ्लावर आते रहते हैं। देखिए ये पौधा एकदम से लग गया है। अब इसे चारों तरफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद इस तरह से पानी दे दें। और तो देखिए आज मैं आप लोगों को इस मटर के छिलके का कई तरह से अपने गार्डन में प्रयोग करके बताई कि कैसे कैसे आप इस मटर के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं, और दो तीन प्रयोग और करती हूँ मैं इस मटर के छिलके का। तो इस समय अब मेरा मटर का छिलका भी ख़त्म हो गया है, तो जब भी मैं और दो तीन तरीके से यूज करूँगी अपने गार्डन में इस मटर के छिलके का तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप भी मटर के छिलके को फेंकें नहीं कचरा समझ के, तो इस तरह से कंपोस्ट बनाएं, इस तरह से मल्चिंग करें अपने पौधों में, इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, और इस तरह से मटर के छिलके का प्रयोग करके आप एक पौधा लगा सकते हैं अपने घर में, और नहीं तो आप मटर के छिलके को सुखा करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपके काम का थोड़ा सा भी लगा हो, ये वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो यही निवेदन करूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।